सो गाइस, सैमसंग की तरफ से मिड रेंज के अंदर इससे पहले हमने बहुत सारे ए सीरीज में डिवाइसेस देखे हैं और अभी सैमसंग की तरफ से अंडर 25,000 में सैमसंग गैलेक्सी A43 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। इस बार आपको इस फोन में 20 से 25,000 के बजट में बहुत सारे अच्छे फीचर मिलने वाले हैं, जैसे कि इस फोन में इस बार हमें पावरफुल चिपसेट और अच्छे कैमरे दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A43 के बारे में, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले गाइस, अगर हम इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है, जो कि 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और साथ ही में इस बार पंच होल डिस्प्ले के साथ भी आ सकता है। इस फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है इस फोन में, और 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले भी आपको मिलता है। तो ओवरऑल आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी कमाल का मिलने वाला है। अगर हम बात करें गाइस इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, तो दोस्तों अभी तक इस फोन का चिपसेट कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा तो इस फोन में आपको एक्सिनोस की तरफ से कोई चिपसेट मिल सकता है या फिर स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट मिल सकता है। ये एक मिड रेंज के अंदर काफी पावरफुल चिपसेट है, जो कि हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस लाकर देता है। इस फोन के साथ आपको 6GB 128GB 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट के ऑप्शन भी मिल सकते हैं। ये फोन बनी हुई के साथ आएगा और साथ ही में आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा गैलेक्सी A43 में। अगर हम बात करें गाइस इस फोन के कैमरास के बारे में, तो इस फोन में आपको इस बार क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको 108MP का मेन सेंसर और साथ ही में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और OIS का सपोर्ट भी मिलने वाला है, जो कि काफी बढ़िया बात है। साथ ही में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर भी मिलने वाला है रियर की साइड में, और सेल्फी के लिए आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिल सकता है। तो ओवरऑल रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरा काफी अच्छे मिलेंगे। और सैमसंग गाइस जनरली हम देखते हैं तो मिड रेंज के अंदर और बजट के अंदर भी कैमरा अच्छे देता है, तो इस फोन में भी हमें अच्छे कैमरा मिलने वाली है। और सैमसंग के कैमरास में आपको जितने भी कैमरा फीचर मिलती है वो सभी फीचर इस फोन में भी दिए जाएंगे। बाकी ये फोन गाइस 5000mAh की बैटरी के साथ आने वाला है, जहां पर हमें 25W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कुछ फीचर हमें सैमसंग के अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी A43 स्मार्टफोन में मिल सकती हैं। जहां पर हम फीचर देखते हैं तो प्राइसिंग के हिसाब से हमें फीचर अच्छे दिए गए हैं, फिर चाहे बात हो डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा या बैटरी की, इस फोन में हमें अच्छे फीचर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें इस फोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों इस फोन का प्राइसिंग 23 से 24 हज़ार के बजट में रहने वाला है, और ये फोन आपको 2023 में ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस फोन की रिलीज डेट जो है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी इस फोन की रिगार्डिंग तो मैं सबसे पहले जो है आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।